ब्रेस्ट कैंसर से तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए समय समय पर साइंस कोई ना कोई टेक्निक निकाल कर लाती ही रहती है जो इस समस्या को मात देने में कारगर हो सके। और वैसे भी ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों में युवा महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। ऐसे में 3D मेमोग्राफी युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने में कारगर टूल के रूप में देखी जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों पर न्यू दिल्ली स्थित शालीमार बाग के मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर कंसल्टेंट और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है, इसके कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन यह तय है कि जितनी जल्दी इसका पता लगाया जाता है ठीक होने के अवसर उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि परंपरागत तौर पर मेमोग्राफी 2D ही होती है जो ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरे फिल्म पर नतीजे प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है। 3D मेमोग्राफी में ब्रेस्ट की कई तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली जाती हैं ताकि एक स्पष्ट और ज़्यादा आयाम की इमेज तैयार की जा सके। इस तरह मेमोग्राफी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि युवा अवस्था में युवतियों के ब्रेस्ट में टिश्यूज काफ़ी घने होते हैं और सामान्य मेमोग्राफी में कैंसर के गठन का पता नहीं लग पाता है। 3D मेमोग्राफी से तैयार किए गए मैप में ब्रेस्ट के टिश्यूज के बीच छिपी कैंसर की गठान को भी पकड़ा जा सकता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि 3D मेमोग्राफी करने का तरीका बिल्कुल 2D मेमोग्राफी की ही तरह होता है। इसमें महिलाओं के ब्रेस्ट को एक्सरे प्लेट और ट्यूब हेड के बीच रखकर कई एंगल से उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। इस तरह की तस्वीरों को स्लाइसेस कहा जाता है। इतने बारीक अंतर से स्तन में फोटो स्लाइसिस बनाए जाते हैं, उसकी निगाह से छोटी कैंसर की गठान भी छिप नहीं पाती और उजागर होकर स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का जल्द ही पता लग जाता है और जल्द ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।